बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल एस के तीन से चार वैकेंसी के बारे में जो ऑफिशियल डाटा दिया जाएगा जूनियर असिस्टेंट 2022 का जो आपका प्रीवियस अभी एग्जाम हुआ था तो उसका मैंने कटआफ के बारे में बताया था उसको लगता है कुछ अभ्यर्थियों ने सही से कटआफ के बारे में ध्यान नहीं दिया बस कमेंट किया जा रहा है कि सर इतना कट ऑफ नहीं जाएगा आप पेपर दिए थे क्या पेपर नहीं दिए थे क्या तो देखिए पेपर देना ना देना अलग की बात है जो मैं फिर इस बार एक बार रिपीट करने जा रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान सुनिएगा ठीक है वीडियो रिवाइज आंसर के बारे में आपको ऑफिशियल जानकारी दी जाएगी और लोअर के कितने पदों की भर्ती आने वाली सारी जानकारी आपको ऑफिशियल एथेंटिक दी जाएगी तो वीडियो के अंतक जरूर बने रहिएगा और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा देखिए यहाँ पे हमेशा हर बात को रिपीट नहीं किया जाता है आज मैं बासठ बता दूँ कल पैंसठ बता दूँ परसों सौ सत्तर बता दूँ बहत्तर बता दूँ पचहत्तर बता दूँ दू। मेरा अभी जो भी मैंने चार पाँच से वीडियो का कटाव चार पाँच एग्जाम का यूपी कम्पूटर प्लस्सी कटाव डाला है जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा कट ऑफ में आपको आधा एक नंबर से ज़्यादा कहीं अंतर होगा तो हमें बताइएगा अब मैं दिन भर कट ऑफ ही बनाता रहूँ सुबह बोलूँ शाम को सुबह बोलूँ बासठ दोपहर को चौंसठ शाम को छाछठ रात को बना दूँ सत्तर पे तो कोई एक कटाफ इसमें सही हो ही जाएगा मेरा किसी भी एग्ज़ाम का यशो हो गया बोरिंग टेक्नीशियन हो गया लेखपाल हो गया अभी जो भी जितनी कटाफ आया फॉरेस्ट गार्ड हो गया जितने भी एग्ज़ाम आए हैं जूनियर इंजीनियर का देख लीजिएगा कहीं भी मेरा कटआफ आपको गलत नहीं दिखाई देगा एक दो नंबर या आधा नंबर हेर फेर हुआ होगा कुछ वैकेंसियों का मैंने कट ऑफ सटीक बताया था उतना ही गया ही है चलते दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं यूपी ट्रिपल एस किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देख मुत में आपको कोई भी मटेरियल चाहिए जीके जीएस रीजनिंग मैथ करेंट अफेयर यूपी स्पेशल जो भी चाहिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा नीचे इसका लिंक मैं दे दिया हूँ जाकर तुरंत जुड़ जाइए और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा आपको एक रुपया देना नहीं पड़ेगा बेस्ट मटेरियल मिलेगा मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट के बारे में एकदम सटीक बात बताएंगे ध्यान दीजिएगा अभी जूनियर असिस्टेंट में कुछ यूट्यूबर कुछ नहीं मैक्सिमम यूटूबर यू देखिए यूटूबर यूटूबरों का एक फंडा होता है मैं आपको बता दे रहा हूँ अब विश्वास मानिए चना मानिए यूट्यूबर की मानसिकता ये होती है कि एक सरकारी नौकरी पा जाए फिर उसके आधार पर बच्चों को वर्दी दिखा के नौकरी दिखा के लेखपाल बन के वीडियो बन के बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा बच्चे आजकल के जानते ही हैं और थोड़ा मोट इमोशनली होते हैं वो देखेंगे भैया ये वीडियो है ये लेखपाल है ये जूनियर इंजीनियर है ये ऐसा ही है दरोगा कांस्टेबल तो सटीक जानकारी देगा सटीक कुछ नहीं देता वर्दी के नाम पे अन्य पदों के नाम पे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाता है बच्चे बेवकूफ़ बन भी जाते हैं बहुत आसानी से ये दरोगा तो ये सही जानकारी देगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है वो गलती वो बस अपने शक्तियों का दुरुपयोग करता है बस को जनता को बेवकूफ़ बनाता है चुतिया बनाता है इस तरह से सेम हालत यहाँ पर हो रही है मैं आपको बता दे रहा हूँ जो आपकी वैकेंसी जूनियर स्टूडेंट वाले में क्या है कुछ लोग दावा कर रहे हैं पद कि मैं जूनियर स्टूडेंट हूँ तो मैं दावा ठोक रहा हूँ कुछ यूट्यूबर है कि मैं दावा ठोक रहा हूँ ये कर रहे हैं भैया उसमें अभी जूनियर असिस्टेंट में मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ध्यान सुनिएगा अभी जूनियर इंजीनियर 2016 जूनियर इंजीनियर 2018 की कट ऑफ आई है ठीक है एक चीज़ देखिएगा वैकेंसियाँ थी 1400 कहीं थी आपकी 400 सौ बुलाया गया क्या अट्ठाईस सौ कहीं चार हज़ार बच्चे बुलाए गए कट ऑफ क्या था 45 से लेके 48 परसेंट या 50 परसेंट मान सकते हैं कट ऑफ गई थी 50 परसेंट में नहीं गई थी फिफ्टी मान सकते कुछ कैटेगरी की थी बच्चे बहुत खुश हुए कि चलिए फिफ्टी परसेंट ऑफ वो डाउन गई है फाइनल कट कटाव ज़्यादा नहीं जाएगी दस पाँच नंबर दस दो चार दस नंबर आके पीछे जाएगी अब मैं बता रहा हूँ ध्यान सुनिएगा यदि पाँच सौ पद हैं सीधे अट्ठाईस सौ बच्चों को बुलाया जाएगा तो भैया तेईस सौ बच्चे कहाँ जाएंगे मान लीजिए सौ दो सौ स्किप कर रहे हैं मैटर को कहाँ जाएंगे वही जाएंगे ना पाँच सौ तो इतने टाइट बच्चे होंगे ये जो अच्छे खासे नंबर ले आएंगे पाँच सौ पचास कटाप गया फिर सीधे छः सौ पचास कटाप गया ज्वाइनिंग है सब सीधे सौ नंबर का डिफरेंस देखा गया तो यही दिक्कत हो रहा है जूनियर स्टूडेंट वाले में मैं आपको बता रहा हूँ ऑफ ऐसे ही बढ़ेगी आप लोग कोई आपको यूट्यूबर चुतिया बना दे रहा है सीधा कि भैया कट ऑफ बा, बासठ जाएगी पैंसठ जाएगी इतने में ज्वाइनिंग हो जाएगा बासठ पैंसठ जो भी जाएगी ये आपके लिए स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग के लिए जाएगी टाइपिंग के आप ज्वाइन ले, ले लेंगे टाइपिंग है आप मान लीजिए आपका पद है बारह सौ पद है यदि मान लीजिए छः हज़ार सात हज़ार बच्चों को बुला रहे पाँच हज़ार बच्चों को बुला रहा है तो भैया छ हज़ार बच्चे कहाँ जाएंगे वो तो बाहर होंगे ही ना ऐसे ही होगा बासठ पैंसठ ऑफ रहेगी डी की अरे सॉरी स्किल टेस्ट की उसके बाद छटनी चार हज़ार बच्चे तीन हज़ार बच्चे पास किए उसके बाद डीबी के लिए उसमें सब छाट के बाहर किया जाएगा दो गुना बुलाया जाएगा उसके बाद फाइनल मेरिट लगेगी फाइनल मेरिट मैं बता दिया हूँ बहत्तर से पचहत्तर जाएगी डीबी बी बासठ जा रही है तो फाइनल सत्तर बहत्तर जाएगी डी बी जा रही है तो पचहत्तर जाएगी फाइनल कुछ लोग कहेंगे इतना नंबर कौन लाया है भैया अब इक्कीस इक्कीस बच्चे एग्जाम दिए हैं कैटेगरी वाइज भी अलग अलग दिए हैं ऐसा नहीं कि इकहत्तर बहत्तर नहीं पाए हैं हजारों बच्चे पाए हैं आप बोलेंगे तो मैं आपको एक पोल पोल दिखा दूंगा पोल में आप देखेंगे तो फट जाएगी आपकी अस्सी अस्सी तक के नंबर बच्चे पाए अस्सी पचासी तक पाए हैं वो भी चार से पाँच सौ बच्चे मान रहा है कुछ उसमें फेक होगा तो दूर का ढोस हवा लगता है सच्चाई बाद में आपको पता चलेगी ठीक है अब बात किया जाएगा यूपी ट्रिपल ट्रिपॉलसी के वीडियो री बात करने वाले यूपी ट्रिपल ट्रिपोलसी पेट के बेस्ट बुक के बारे में जो चक्सू पब्लिकेशन द्वारा मार्केट में लाया गया है इस बुक की दोस्तों सबसे बड़ी खासियत है कि यूपी ट्रिपल ट्रिपोलसी कि पेट के जो दो बार पिछले बार एग्जाम हुए उसमें से नाइन्टी परसेंट से ऊपर क्वेश्चन इसमें आपके फंसे थे इस बुक की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके एक्सपर्ट की सहायता से बनाया जाता है और इसमें एरर आपको नाम मात्र के मिलते हैं जो अन्य बुकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं और बार बार एक ही प्रश्न को रिवाइज किए जाते हैं यूपी ट्रिपल ट्रूपलिस जो पेट का चक्षु पब्लिकेशन का बुक है इसमें आपको हमेशा नए पैटर्न के आधार पर नए सिलेबस के आधार पर बुक का प्रिंटिंग किया जाता है विदाउट एरर दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें यूपी ट्रिपल एस सी का जो आपका पूरा पैटर्न है पूरी गाइड में आपको हिंदी इतिहास आपको भूगोल और साथ सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सिलेबस वाइज आपको पैटर्न देखने को मिलेगा इस बुक इस गाइड में और साथ में आपको बाईस सौ से ज़्यादा इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन मिलेगी जो अन्य किसी भी बुक में आपको देखने को नहीं मिलेगी पिछले साल का दो हज़ार में जितना पेट हुआ है उसका यहाँ पर आपको साल पेपर मिल जाएगा यहाँ देख सकते हैं आपका जितना पेड दो बार कराया गया सारे इसमें आपको क्वेश्चन पेपर अध्याय मिल जाएंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो का दो का साल पेपर मिल जाएगा और टोटल सिलेबस आपको ए टू जेड से मिल जाएगा इसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन में है तुरंत जाकर ले लीजिएगा और साथ में आपको एक चीज बेनिफिट में आओ मिलेगा बेहतरीन तैयारी के लिए आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिलेगा प्रैक्टिस सेट और गाइड दोनों साथ लीजिएगा जिससे आपको एग्जाम में 90 प्लस स्कोर करने में आसानी होगी इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन डालता रहा हूँ और साथ ही ये आपके नजदीकी स्टोर में भी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह प्रोवाइड है वहाँ जाके ले सकते हैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ तुरंत ले लीजिए एग्जाम आपका बहुत पास है बहुत जल्द होने वाला है धन्यवाद वीडियो री एग्जाम के बारे में वीडियो री एग्जाम का आंसर की आपका अगले सप्ताह बन के तैयार हो जाएगा संभवतः प्रयास साथ अगले सप्ताह आपका आंसर किया आ जाएगा नहीं तो शनिवार या मंगलवार तक आपको आंसर की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी मैक्सिमम अध्यन सेवा चयन आयोग के सचिव द्वारा यही बोला गया है कि मंगल या बुधवार तक आपको अपनी फाइनल आंसर की देखने को मिल सकती है जो वीडियो री एग्जाम की रहेगी अब कुछ अड़चने यदि नहीं आई जैसे अड़चने में क्या है कि दो तीन रिजल्ट इनको जारी करना है जैसे कंबाइंड टेक्नीशियन का रिजल्ट जारी करना है एसओ या बंदरोगा का एक तो रिज़ल्ट आएगा मैक्सिमम जहाँ एस का आएगा बंदरोगा का नहीं है का आएगा उसके बाद बनदरोगा का आएगा फिर उसके बाद आएगा वीडियो का फाइनल रिजल्ट आएगा जो नवंबर में मैं पहले बता चुका हूँ तो अगले महीने में फर्स्ट वीक यानी मतलब 10 सितंबर तक अपना रिजल्ट एक कंबाइंड टेक्नीशियन का उसके बाद बंद रोग सॉरी वीडियो का आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा जो फाइनल आंसर की रहेगा बस अंतिम चरण में काम चल रहा है इससे ज़्यादा आपको देर नहीं होने वाला है ठीक है <laughs> अगली वैकेंसी के बारे में बात करेंगे जो है लोअर पी सी की वैकेंसी लोअर पी के बारे में लोअर सबार्डिनेट भर्ती के बारे में मैंने पहले बताया था बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे थे कि 600 700 अब मेरा लोअर पी का मैंने दो ही तीन वीडियो डाला जाकर देख लीजिएगा मैंने कभी 600 700 वैकेंसी के बारे में बात ही नहीं किया मैंने हमेशा नौ सौ एक हजार पदों के बारे में बात किया था जो अधिचन आया था अब लोग नौ सौ एक हजार ही बोलना शुरू कर दिए हैं तो ये देखिए डेली कटाव डेली नया नई बातें नए नए तरह की विचारधाराएं आती रहती है उस पर ध्यान ना दीजिए 900 से लेके 1000 पदों का अध्याचन भर्ती बोर्ड को मिला है पूरे पदों का अध्याचन निकाला जाएगा काफ़ी अच्छे खासे पद इसमें अधीनस्थ सेवा चरण को मिले हैं अध्याचन लोअर पी के या लोअर सबॉर्डिनेट के कुछ लोग कहेंगे कि लोअर की जो वैकेंसी कब आएगी तो लोअर की वैकेंसी जहाँ तक मुझे पता है मैं आपसे शेयर कर दे रहा हूँ आपको ये कुछ बोल रहा है वो अलग की बात है 22 से ना के बराबर आएगी 22 से मान लीजिए 10 परसेंट है और 23 से 90 परसेंट है तेईस से जनवरी या फरवरी में वैकेंसी आएगी भैया ये जनवरी या फरवरी में वैकेंसी है क्योंकि लो, जैसे ही पेड का रिजल्ट आएगा उसके उसी सप्ताह या अगले दस दिन में रिजल्ट देखने को आपको लोअर की वैकेंसी मिलेगी ये सौ परसेंट श्योर रहिए क्योंकि तो अगली दो वैकेंसी जो अधीनस्थ सेवा चौना निकाले जा रहा है जिसमें आपका आ, इस, इस, इस यूपीट्रोपॉलसी स्टोनों की वैकेंसी जिसमें चार सौ लेकर पाँच सौ का अध्याचन प्राप्त हुआ है उसके बाद मेडिकल विभाग का निकलेगा ए जी टी ए का निकलेगा एक वैकेंसी निकले चार वैकेंसी निकालेगी पहले से सात वैकेंसियाँ पड़ी हैं तो उनका एग्जाम कराना है तो दस ग्यारह वैकेंसी हो चुकी है तो लोअर का उम्मीद कम है क्योंकि उनको अगले साल भी दो चार वैकेंसी देना चुनाव है तो चुनाव में ज़्यादा सरकार ज़्यादा फोकस करेगी चुनाव में आपको लेखपाल देखने को मिल सकता है वीडियो मिलेगा और वीडियो मिलेगा और आपको लोअर जो तगड़ी वैकेंसी रहेगी यूप्यूट्रोपोलसी की दो हज़ार चौबीस में ठीक है ऐसे कोई बड़ा अपडेट आएगा वो सूचित कर दिया जाएगा ज़्यादा जानकारी लिए चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें धन्यवाद